अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व इफ़ 1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ 6x पावर 4 माइनस 17x पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो एक्स पावर फोर का कोफिशेंट है 6 और उसके बाद एक्स पावर थ्री का कोफिशेंट है माइनस 17 और 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट प्लस 8 और एक्स का कोफिशेंट है 5 और आखिर में है कांस्टेंट माइनस 2। सबसे पहले हमने किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। 1 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो पहला नंबर है इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे तो ये आ जाता है 6। अब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 वन ज़र 6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस 17 प्लस 6 तो ये आ जाता है माइनस 11। अब माइनस 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है माइनस 11। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 माइनस 11 तो ये आ जाता है माइनस 3। इस माइनस 3 को इस 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है माइनस 3। तो यहाँ पर 5 और माइनस 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, प्लस 2। अब 2 को इस 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर दे, 2 वन ज़र 2। 2 करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, 0। तो ये जो 0 आ गया ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब हमने नेक्स्ट इसी तरह कंजेक्टिव इसको ऐड करना है, डिवाइड करना है प्लस 2 से। अब प्लस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसी तरह हम नंबर लिखेंगे 2। और अब हम जो ये पहला नंबर है इसको छोड़ के नेक्स्ट नंबर से हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे, यानी 11 से हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा कि जिस तरह हमने ऊपर लिखा था कि पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 6, तो इसी तरह ये वाला नंबर भी एज इट इज़ आ जाएगा 6। अब इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टू ज़र 12, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 11 और प्लस 12 दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 1। अब इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 2। माइनस 3 प्लस 2 से आ जाता है माइनस 1। फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 वन ज़र 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है, 0। तो ये भी हमारे पास डिवीजन ख़त्म हो गई है और ये रिमाइंडर है जो कि 0 आ जाता है। अब हमने करना क्या है, जो यहाँ से यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है जिसको बुक में इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं, वो इक्वेशन हमारे किस तरह से बनेगी, वो हमारे इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर ज़रा फोकस करें कि जो पहला फर्स्ट नंबर से जो हमने डिवाइड किया तो ये प्लस 6 माइनस 11 माइनस 3 और 2 ये आ जाता है। यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनानी होगी तो इस लेवल पे हम इस तरह से बनाएंगे कि जो ऊपर वाले जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर x पावर 4 है, तो हम यहाँ पर यहाँ से जब हम स्टार्ट लेंगे तो x पावर 3 से स्टार्ट लेंगे, यानी 6x पावर 3 माइनस 11x पावर 2 माइनस 3x और प्लस 2। लेकिन क्योंकि हमने फाइनल इक्वेशन आगे वाले के लिए लिखनी है तो अब हम एक पावर और कम करेंगे। यहाँ पर हमने जो इक्वेशन स्टार्ट करनी थी x पावर 3 से स्टार्ट करनी थी, अब हमने यहाँ पर इक्वेशन जो स्टार्ट करनी x पावर 2 से स्टार्ट करनी, यानी 6x पावर 2 लिखेंगे और 1x लिखेंगे और माइनस 1 कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यानी फाइनल जो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन यहाँ पर मैं नहीं समझाना चाहता, तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये आ जाता है इन दोनों में से कॉमन 3x, तो यह रह जाता है 2x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू
0. नाउ दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2x प्लस 1 कॉमन ले लें तो रह जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो एदर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2. तो एक आंसर ये आ गया है 3x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 ओवर 3. दो आंसर्स हमारे ये आ गए हैं और दो आंसर्स वो हम लिखेंगे जो हमने x इज इक्वल टू 1 पहले 1 से डिवाइड किया था. एक आंसर हमारा वो होगा और एक आंसर x का जो हमने डिवाइड किया था किससे, 2 से डिवाइड, जो गिवन है ऑलरेडी कि 1 और 2 जो है ना ये क्या है, इसके रूट्स हैं. तो वो रूट्स भी हमारे आंसर्स में शामिल हैं. तो हमारे पास चार आंसर आ जाते हैं 1, 2, 1 ओवर 3 और माइनस 1 ओवर